फ्लावर्स, आप सबको मालूम होगा ये कौन सा वाला फ्लावर है। पता है ये मॉर्निंग ग्लोरी है, और नर्सरी से मैं जब लेके आई थी वो बहुत छोटा सा ही पौधा था, अभी खिलने लगा है फूल इसमें। और क्रिसेंथेमम, हाँ ये भी दूसरे दूसरे कलर्स हैं जो मेरे अभी टेरेस गार्डन में है, वो भी अभी कुछ मतलब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, बाद में ये भी समर में ड्रूप हो जाएंगे। तो अभी मेरे वीडियोज़ में ये दिख रहे हैं, मुझे सबसे मेरे घर में सबसे प्यारा जो जगह है, मैं कभी नहीं भूलती इन सब जगह का व्यू आपके साथ शेयर करना। और ये देखिए नन्हे मुन्ने कितने सारे, हाँ मिर्ची के पौधे, ये सब मतलब सीड्स गिर रहे हैं और अपने आप ही ये हो रहा है। थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं इनको अलग करूँगी। फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद अमृता। आज के ब्लॉग में मैं बहुत मुश्किल से आज कर पा रही हूँ, एक्चुअली तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कल हाई फीवर था और बहुत मुश्किल से मतलब रात को खाना भी नहीं खा पाए, बहुत कपकपी जैसे लग रही थी और ठंड था। ऐसा नहीं कि कल मुझे लगा कि कलकत्ता में काफ़ी मतलब धूप नहीं खिल उतना धूप नहीं था और बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी, शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से। मैंने बस पैरासीटामॉल लिया और मेरा जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है वही लिया, और मुझे कुछ होश नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं था। मुझे मालूम भी नहीं था मैं आज उठ के मैं बात भी कर सकती, मैं कुछ अपने लिए कर सकती हूँ, मैं चाय भी बना के पी सकती हूँ, मगर मैंने सुबह उठा और सुबह तो नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका था, मैं तब नींद से जग के फिर अपने लिए चाय भी बनाया। मेरा एक्चुअली अपने हाथ से ही जो चाय मैं बना के पीती हूँ वही मुझे पसंद है, मुझे मेरा जो हेल्पर है ना वो अगर आके बना भी देती है मुझे पसंद नहीं होता है, तो मैं अपने लिए और उनके लिए सबके लिए मैं ही बनाती हूँ। आज ताकत बिल्कुल बॉडी में, तो फिर भी जो मेरा काम है मतलब जो करना ही है और मैं अपने हाथों से करने में ट्रस्ट रखती हूँ और सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो है मेरा छत वाला जो मेरा जो टेरेस का जो गार्डन है वहाँ पे मुझे आने में बहुत सुकून भी मिलता है और पौधों को करना पड़ता है। मैं देखती हूँ कि किस में मतलब वो मैं अपने दिल से करती हूँ और मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता है, और मैं किसी और को ये काम नहीं दे सकती, मतलब देने में मैं मुझे वो ट्रस्ट नहीं मैं कर सकती। तो ये जगह जितना भी तबीयत मेरा ख़राब हो मैं अगर थोड़ा हूँ तो इधर मैं आके पहले सबको देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल भी रात को मैं जब आई थी छत पे, थोड़ा मतलब ऊपर वाला जो वॉशरूम है हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, नीचे काम चल रहा है, इसीलिए मैं सबको बोल के गई थी कि मैं सुबह ज़रूर आऊँगी, धूप खिलेगा तो मैं ज़रूर सबको सबसे मिलने के लिए आऊँगी। तो आज मैं आ भी गई, धूप का तो उतना तेज़ी नहीं है, उतना हल्का सा ही है, फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि घर के अंदर एकदम पूरा बहुत ठंडी लग रही थी, तो तबीयत मेरा ठीक नहीं है, शायद आपको समझ में आ जाएगा। वॉइस ओवर देने में भी आज मुझे थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है, फिर भी सब कुछ शेयर करना होता है ब्लॉग में, है ना, अच्छा बुरा जो भी है। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वो भी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरे वीडियो में, और वो है बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, यस। तो ये जगह मेरी मनपसंद एक जो वॉशरूम मैं सोचा था मैंने बहुत दिन पहले, वो देखिए अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो काम चल रहा था बहुत दिनों से चल रहा था, कुछ कुछ चीज़ मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है, और अभी काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ मैं डेकोरेशन अपने आप करूँगी, कुछ ग्रीनरीज ग्रीन प्लांट्स लगाऊंगी, इधर अंदर सेट करूँगी बाद में। तो जितना हुआ है उतना आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से मेकओवर चेंज हुआ है। हाँ ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एकदम
इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो हुआ है क्योंकि पीछे वाला जो टाइल्स है इस ये भी हमें लगाना पड़ा है, ये काफ़ी कॉस्टली है। मेरा बाथरूम का जो एक्चुअली जो ये जो स्क्वायर छोटा सा ही है, ये स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये टाइल्स में पीछे ही मैंने जो हाईलाइट किया है और ब्लैक वाला मैट फिनिश वाला मैंने लगाया है, और मेरे बजट के अंदर जो जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बेसिन और उसके साथ जो मिरर का सेट है, ये इसमें मुझे 16,000 खर्चा करना पड़ा, तो ये सस्ता मैं नहीं बोलूँगी। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के बाद ही हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ ये वॉशरूम में, मगर बहुत दिन इंतज़ार के बाद मैंने हम लोग ये चेंज कर पाए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और ये मैं अपने वीडियो में आज आपको कंप्लीट लुक शेयर कर रही हूँ, और डोर भी हमने चेंज किया है। तो ये है हमारा आज का, मतलब ये न्यू ईयर का स्टार्टिंग में ही आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ सबसे बड़ी गिफ्ट है भगवान की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत दिनों के बाद ये हम कर पाए हैं। ये देखिए छोटा सा जो नीचे वाला जो कैबिनेट है, इसमें स्पेसेस है, 3 ड्रॉयर्स है, और जो जो मेरा यहाँ पे जो वॉशरूम में मैं रखती थी सब कुछ सेट मैंने किया है, और पहले वाला जो कबर्ड मेरे वॉशरूम में था उसको भी कलर का उसका भी कलर चेंज किया है, उसको भी मतलब मैचिंग वाइट जो प्लास्टिक ये शीट मैंने हम लोग डोर में लगाया है, और ये जो आप कैबिनेट में देख रहे हैं सेम टाइप के शीट लगा के इसका भी हमने लुक चेंज कर दिया है। तो ऑलमोस्ट वाइट लुक, जैसे पहले जो वॉल में टाइल्स लगा हुआ था वही वो वैसा ही है। फ्लोर में भी हमने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि ये मार्बल है, मार्बल में मैं हम लोग चेंज नहीं किया, उसमें जो पहले जैसा ही है, बस विंडो का जो ग्लास है उसमें थोड़ा सा चेंज किया, शार्प था, और ये बॉर्डर का पोर्शन पूरा वाइट कलर कर दिया है, और हमारा जो वॉल था उसमें कलर नहीं था, तो एक वाइट वॉश का वाइट पेंट का कोटिंग लगाया गया है। तो ये हमारा बाथरूम पूरा एकदम नया बन गया है, वॉशरूम जो ऊपर वाला। तो हम लोग इतने दिन से छत वाले टेरेस में जो हमारे और एक वॉशरूम है छोटा सा वही यूज़ कर रहे थे, तो अब से हम नए वाले वॉशरूम यूज़ करेंगे अपने ये जो इस फ्लोर में जो जो हमारे घर में ही है साथ में, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुका है तो छत पे जाना और बहुत मुश्किल हो रहा था। और आज लंच में क्या बन रहा है, आज का तबीयत मेरा बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, तो खाने को बिल्कुल मन नहीं है, इसीलिए कुछ क्या पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना ही। और ये धनिया का जो पत्ता है हम लोग बहुत पसंद करते हैं, इसको हम बंगाली लोग पेस्ट बनाते हैं, जैसे धनिया का पत्ता उसके साथ थोड़ा सा लहसुन और लहसुन का कली और थोड़ा सा टमाटर। मेरे घर में आज टमाटर मौजूद नहीं था तो मैंने इसमें इमली डाल दिया था और चिली, ग्रीन चिली, उसके साथ ये पत्ता पेस्ट करके थोड़ा सा इसको हॉट ऑयल में इसको थोड़ा सा चलाना पड़ता है, और बहुत गर्म चावल के साथ ये बहुत अच्छा बहुत यम्मी लगता है। इवनिंग में मैंने आज आलू का पकौड़ा बनाया था, और तबीयत खराब मतलब जब भी थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रही थी तो काम करने की कोशिश कर रही थी, घर में बच्चे भी होते हैं तो कुछ सभी लोग एक्चुअली सभी का तबीयत ख़राब है तो मिलजुल के काम करना भी ज़रूरी होता है। आज सोचा था पहले कि चीज़ डाल के बनाऊंगी, मगर मैंने चीज़ तो निकाल के रखी थी, चीज़ यूज़ नहीं किया, सिंपल तरीके से बनाया, कुछ मसाला नहीं, इसमें सिर्फ जीरा पाउडर डाला है और इसमें नमक डाला है बॉयल पोटैटो के साथ, और उसमें मैंने कुछ और चीज़ डाला है, ग्रीन चिली ना मेरे पास स्टॉक में नहीं था तो मैंने सोचा ठीक है काम करते हैं। हमारे पास क्या था, वो जो रेड चिली है ना उसको मैंने हॉट ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और फिर उसको अच्छे से उसको स्मैश कर लिया, और ये आलू के साथ वो ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैंने पकौड़ा गोल गोल बना के
बेसन में डुबो डुबो के इसको फ्राई कर लिया। इवनिंग स्नैक्स यम्मी बन के तैयार हो गया है, तो पहला मेरा ही टेस्ट करना बनता है। तो मैंने मेरा वाला जो है वो पहले टेस्ट करके देखा कि कैसे बना है। हाँ, बेसन का जो ये मिक्स है ना, ये बनाने के टाइम हमें थोड़ा सा कॉशस रहना ज़रूरी है। मेरे पास खास करके आज तो बेसन का बिल्कुल बिल्कुल कमी थी, जितना मतलब थोड़ा सा ही बेसन था। अगर मैं जब जल्दी जल्दी में ज़्यादा पानी ऐड कर देती ना तो बर्बाद हो जाता, क्योंकि अभी घर के बाहर जाके दुकान में जाके लाने के लिए कोई नहीं है, घर में बड़ा बेटा है वो भी बाहर है, तो मुझे इतना सा बेसन में एकदम कैलकुलेशन करके ही बनाना है। तो वही थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड किया है और उसको चेक किया कि ज़्यादा पतला ना बन जाए। मेरा इतना अच्छा आज आपको मैं शेयर करना चाहूँगी कि सच में मेरा जितना आलू मैंने बॉयल किया था और जो बेसन का जो क्वांटिटी था कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, सबका इक्वली बैलेंस कर सकी मैं, तो स्पॉयल कुछ भी नहीं हुआ। तो आलू का जो मैं पकोड़ा बनाया, काफ़ी हेवी है ये, तो इवनिंग में हमारा सबका मतलब पेट तो बहुत भर चुका था, तो रात में कुछ तो बनाना पड़ेगा रात के लिए। दाल तो मेरे पास एक्चुअली जो मॉर्निंग वाला है वो था मौजूद, तो दाल नहीं चाहिए था। तो रात को हम थोड़ा आलू रख दिए थे, वो आलू और हम लोग पोटैटो स्मैश विथ ओनियन एंड मस्टर्ड ऑयल, बहुत टेस्टी लगता है गर्म चावल के साथ। और उसके साथ मैंने दो अंडा उबाल लिया था। मैंने रात में नहीं चावल खाए क्योंकि मुझे खाने को मन भी नहीं हो रहा था। ये सब देखिए अभी तो पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई के बाद भी काम चालू होगा, क्योंकि आज वो कल वाला प्रोजेक्ट का जो ड्राइंग है वो चल रहा है कुछ दिन से। आप शायद पिछले वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया था, तो वही बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो चलता रहेगा, पता नहीं कितने दिन तक चलता रहेगा, वो असेंबली वर्क है, तो जब तक वो असेंबली नहीं होगा तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा बेटा पढ़ाई, आज एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है, और उसके बाद असेंबली पे का जो ड्राइंग है वो भी कर रहा है, सब कुछ मिला जुला के चल रहा है। तो ये देखिए पकौड़ा बन के तैयार हो गया, यम्मी। और मैंने क्यूकम्बर भी काट लिया था साथ में, क्यूकम्बर मुझे पसंद है। एक्चुअली जो फीवर है ना, अभी फीवर के टाइम में मुझे अच्छा तो कुछ भी नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ऐसे मतलब कभी कभी खट्टा मीठा ऐसा कुछ खाने को मन कर रहा था। क्यूकम्बर भी थोड़ा तीता टाइप का लग रहा था, बिटरिश एक जो जो स्वाद है गायब हो चुका है पूरा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सॉस के साथ थोड़ा मैं इसको एक पकौड़ा टेस्ट किया, अच्छा लगा मुझे, और एक्चुअली गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो वीडियो बनाते बनाते फिर आराम से फ्राई कर रही थी, बर्तन भी धो रही थी, थोड़ा ठंडा हो चुका था एक्चुअली। रात का जो अभी डिनर का चावल हम बॉय चढ़ा लिया, कल तो मेरा हेल्पर एक्चुअली नहीं आने वाली थी, तो वो बता के गई थी इवनिंग में, वो बता के गई थी कि हम नहीं आएंगे, तो मुझे टेंशन होने लगा। तो ठंडी बहुत है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी में जो जो बर्तन पड़े थे सिंक में वो सब साफ़ करने लगी, ताकि मॉर्निंग उठ के मुझे फिर ठंडा पानी में ज़्यादा टाइम नहीं हाथ डालना पड़े, क्योंकि किचन में तो मेरे पास वो नहीं है। किचन में मेरे पास गीज़र का जो हॉट वाटर सपोर्ट नहीं है, ये कोल्ड वाटर ही आता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे इधर माइनस टेम्परेचर है, कलकत्ता में ऐसा नहीं होता है, मगर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है समर में, हमारा बॉडी का जो हैबिट है वो हमारा डिफरेंट है, तो इसीलिए ठंडा 14-13 डिग्री में ही बहुत ज़्यादा लगता है, लगने लगता है। तो ये देखिए पेंसिल स्केच कर रहा है मेरा बेटा, हाँ पेंसिल स्केच, ये कोई प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर का, ये शायद युवराज या धोनी, पता नहीं मुझे,
और ये है डिनर का प्लेट। यस, बंगाली लोग हम लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, और ये मैं जैकेट के वो पहन के किचन में बहुत ज़रा बर्फी रखूँगी। मॉर्निंग में नाक भी बंद हो चुका है, आपको देखो दिखाई दे रही है नाक से, मतलब आवाज़ गले से जब मोटा मोटा निकल रहा है। और अभी डिनर बन रहा है, चावल और अंडा बॉईल कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर पाऊँगी, दाल मेरा बना हुआ है और खाने को मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मूढ़ी हम लोग बोलते हैं बंगाली में, मूढ़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, मुरमुरा या फिर मूढ़ी जो है वही पॉप राइस, वही मैं थोड़ा सा खा लूँगी रात के लिए। कुछ खाने को मन नहीं है बिल्कुल, मतलब एक बहुत बिटरिश टेस्ट है। और आज का ब्लॉग यही मैं एंड करती हूँ, और पता नहीं आपको कैसा लगा, सबको कैसा लगा, सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज़ टेक केयर, और ठंड में जो भी है अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, सबको गुड नाइट, बाय बाय।